पनावड़ा टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और दबाएं बेल आइकॉन बटन को पाए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियो अपडेट को। परबतसर, विवाहित महिला ने युवक के खिलाफ करवाया दुष्कर्म का मामला दर्ज। नागौर परबतसर ग्राम खोखर की एक विवाहित महिला ने गांव के ही एक व्यक्ति के विरुद्ध डरा धमका कर दुष्कर्म करने का मामला शनिवार को स्थानीय पुलिस थाने में दर्ज कराया है। थानाधिकारी सत्येंद्र सिंह नेगी ने बताया कि ग्राम खोखर निवासी एक कीर जाति की एक विवाहिता ने परमाराम पुत्र तुलछाराम मुंडवाडिया निवासी खोखर के विरुद्ध डरा धमका कर दुष्कर्म करने का मामला कराया है। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि 16 फरवरी को वह कुचामन चिकित्सालय में इलाज कराने गई थी। चिकित्सक ने देख कर कहा कि तुम 5 माह की गर्भवती हो, शरीर में खून की कमी है। तब उसका पति खून लेने अजमेर चला गया। वह गावड़िया अस्पताल में ही भर्ती थी, तभी 45 वर्षीय परमाराम जाट उसके पास आया। अस्पताल स्टाफ ने उससे पूछा कि आप कौन हो, तो परमाराम ने उनको कहा कि वह मरीज का धर्म का पिता है। तब डॉक्टर ने कहा कि मरीज को कुछ खिला पिला कर लाओ, बाद में इसको ग्लूकोज चाहिए। तो परमाराम ने पीड़िता को कहा कि चलो कुछ खिला कर लाता हूँ, तथा सेवदा होटल पर ले गया। वहाँ 3 कागजों पर पीड़िता के हस्ताक्षर करा लिए। इसी दौरान 16 सेकंड 19 फरवरी को भर्ती करने के बाद छुट्टी दे दी। वह मकराना चली गई, वहाँ पर किराए के मकान पर रहती है। परमाराम ने पीड़िता व उसके पति में झगड़ा करवा कर उसके पति के विरुद्ध झूठा मामला दर्ज करवाया। 20 फरवरी को दोपहर को परमाराम पीड़िता के घर आया, तब पीड़िता व उसका पति दोनों मौजूद थे। पीड़िता ने उससे कहा कि वह कुचामन जा रही है, उसके पति के खिलाफ दर्ज कराया मामला वापस लेने जा रही है। तब वह उसके पति को परमाराम ने धमकी दी कि यह मेरी पत्नी है, इससे मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है। उसके 3 दिन बाद परमाराम ने उसके घर आकर पीड़िता को पकड़ कर के साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया तथा पति को बताने पर जान से मारने की धमकी दी। परबतसर से पनावड़ा टीवी के लिए जुगल किशोर शर्मा की रिपोर्ट। तो तेज बोलो। परमाराम। अच्छा, क्या किया परमाराम ने? गलत काम करे। अच्छा, कब से वो आना जाना है क्या उसके घर? अब कब कब? रोज आता है हमारे घर। अच्छा, गलत काम कितनी बार किया आपके साथ? 4-5 बार। अच्छा, डराता धमकाता क्या? हाँ, धमकाता कि मार दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा। अच्छा, किसी को बता दिया तो मार दूंगा? हाँ, जान से खत्म कर दूंगा। अच्छा, आज आपने उसके खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया है ना? भाई, तीन साल बात किया।